राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार, सत श्री अकाल। समस्त भारतवासियों को, समस्त डिवोटीज को एवं समस्त किसान भाइयों को हैप्पी बैशाखी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त बंगाली समाज के बंधुओं को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सबके लिए बड़े ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज नई फसल आने पर जो किसान भाई है वो त्यौहार मनाते हैं और ढोल बजाकर, नगाड़े बजाकर गिद्ध पाते हैं और भंगड़ा भी करते हैं। आज के दिन गुरुद्वारों में बहुत सुंदर से सजाया जाता है और सब जाकर भजन करते हैं और बहुत ही हैप्पीनेस के साथ आज का दिन वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। बंगाली समाज का तो आज नया वर्ष है, आज से ही उनका वर्ष आरंभ होता है और सवेरे उठकर ही सब अपने घर पे लिपाई पुताई करते हैं, घर को सजाते हैं और फिर सब नहा धोकर अच्छे से सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि हमारा वर्ष अच्छा जाए। तो समस्त बंधुओं को, समस्त भक्तों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन दान करना चाहिए, अन्य का दान करने से अन्य की बढ़ोतरी होती है, इसलिए अन्य का दान अवश्य करना चाहिए। और जब मैं छोटी थी मुझे याद है, नानी के पास रहती थी और नानी मेरे को मॉर्निंग में ही जगा दिया करते थे और कहते थे उठ जा, आज सोई रहेगी तू, साल भर सोई रहेगी। तो मैं उठती थी और उठकर अपने फ्रेंडों के साथ तुरंत एक फूल का पात्र लेकर फूल चुनने जाती थी और फिर फूल लेकर आती थी, सुंदर सुंदर माला तैयार करती थी और फिर नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर पूजा पाठ करती थी और फिर सब समस्त गांव में रहती थी। और गांव का कल्चर अलग है, ये है भारतवर्ष और यहाँ पर सबके त्यौहार, कल्चर, मान्यताएं, संस्कार अलग अलग हैं, संस्कृति अलग अलग है। लेकिन भारतवर्ष में जन्म लेकर मेरा परम गर्व की बात है कि इस भूमि में जन्म लेकर मेरा जीवन धन्य हो गया। समस्त त्यौहारों को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिना भेदभाव के। तो मैं जब पूजा पाठ करती थी तब नानी कहती थी कि आज उसके घर से बुलाया है, आज उसके घर पे निमंत्रण है, क्योंकि गांव में आज के दिन हाल वैशाखी कहा जाता है और आज के दिन सबके घर पे महाप्रसाद बनता था और समस्त भक्तगण जाकर महाप्रसाद का सेवन करते थे और भोग पाते थे। और पता मॉर्निंग में तो सब नगर कीर्तन करने निकल जाते थे और आज हमारे यहाँ भी नगर कीर्तन में भक्त मंडली आने वाले हैं घर पे, तो बड़े ही उल्लास के साथ, बहुत ही आनंद के साथ, इंजॉयमेंट के साथ सब लोग सेलिब्रेट करें। और आज के दिन अगर भगवान की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो सुख समृद्धि आती है घर पे, इसलिए सब जीवन में प्रगति करते हैं, तो सबका जीवन मंगलमय रहे। नववर्ष में नया कुछ करने का प्रयत्न अवश्य करें, सबके जीवन में सबका सपना पूरा हो और कुछ नया एंजॉयमेंट के साथ सारे दुखों को भुलाकर, स्ट्रेस को भुलाकर सब आगे बढ़े। तो अगेन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे कृष्ण।